चंपारण गांव में ममता की एक छोटी सी इस्त्री की दुकान थी। वह गांव के लोगों के कपड़े इस्त्री करती थी और उससे जो भी कमाई होती वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च पर लगा देती थी। राजू और छुटकी के पिता के देहांत के बाद ममता को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। चलो बच्चों, जल्दी उठ जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मास्टर जी मुझे रोज मुर्गा बना देते हैं। क्योंकि तुझे गणित के एग्जाम में अंडे आते हैं। देखो बच्चों, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर अच्छी नौकरी कैसे करोगे? ममता वापस घर जाकर लोगों के कपड़े इस्त्री करने लग जाती है। इधर राजू और छुटकी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। यार चुटकी, मुझे लगता है हमें भी मम्मी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। हाँ, हमारी मम्मी कितना काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज हम घर जाकर मम्मी के कामों में हाथ बटाएंगे। राजू और छुटकी बात करते करते घर पहुँच जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनकी मम्मी ममता के दोनों हाथों पर पट्टी बंधी है। दोनों बच्चे अपनी मम्मी को इस हालत में देख कर घबरा जाते हैं। ये आपके हाथ को क्या हो गया? आपके हाथों में ये पट्टी क्यों बंधी है? आज जल्दी जल्दी में इस्त्री करते हुए मेरा हाथ जल गया। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से मैं सारे कपड़े इस्त्री किया करूँगा। और मैं खाना बना दिया करूँगी। मेरी वजह से मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बस आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। तभी गेट पर पड़ोस में रहने वाले मुरारी चाचा आ जाते हैं। अरे, मेरे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं हुए? मैं अभी कर देता हूँ चाचा। राजू फटाफट कपड़ों को इस्त्री करने लगता है, तभी गलती से वो कपड़े जल जाते हैं। अरे नालायक, जब कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो करते क्यों हो? मेरा 2000 का कुर्ता जला दिया, अब मैं दावत में क्या पहन कर जाऊंगा? माफ करिएगा चाचा, गलती से आपका कुर्ता जल गया। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? मेरा तो कुर्ता तुमने बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगर शाम तक ये कुर्ता मुझे पहले जैसी हालत में नहीं मिला तो मैं पूरे 2000 रुपए लूंगा। मुरारी चाचा वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। राजू और छुटकी उदास हो जाते हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना, चलो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। उनकी बातों से ही पेट भर गया, अब मैं ये जले हुए कुर्ते को कैसे ठीक करूँ? हमारे पास तो 2000 भी नहीं है। छुटकी रोटी के लिए आटा तैयार करने लगती है और आटे में बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या आज हमें रोटी तक नसीब नहीं होगी? घर में इतना ही आटा था और वो भी गीला हो गया। छुटकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस कमरे में लगे शीशे से तेज रोशनी निकलती है। शीशे से निकलने वाली रोशनी गीले आटे पर पड़ती है और आटा बिल्कुल सही से तैयार हो जाता है। छुटकी यह देखकर हैरान हो जाती है और वह शीशा ले जाकर राजू को दिखाती है, जो मुरारी चाचा के जले कुर्ते को ठीक करने में लगा था। राजू ये देख, इस शीशे से तेज रोशनी निकली और गीला आटा बिल्कुल सही हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, रुक मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। छुटकी जले कुर्ते को शीशे के सामने रख देती है। थोड़ी ही देर में पीछे से तेज रोशनी निकलती है और वह कुर्ता बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, अचानक से ये शीशे में जादुई शक्ति कैसे आ गई? मैं शीशे के सामने बैठकर रो रही थी, अचानक से जादुई रोशनी निकली और गीला आटा ठीक हो गया। तभी राजू और छुटकी उस शीशे को लेकर ममता के पास जाते हैं और ममता के सामने वह शीशा रख देते हैं। शीशे से तेज रोशनी निकलती है और ममता का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए, ये कैसे हो सकता है? तभी मुरारी चाचा अपना कुर्ता लेने आ जाते हैं। मेरा कुर्ता सही हुआ या नहीं, नहीं तो मैं 2000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। ये लीजिए आपका कुर्ता, बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया है। मुरारी चाचा उस कुर्ते को देख हैरान हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर छुटकी ममता को चमत्कारी शीशे के बारे में बताती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, हमें ऐसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
हम इस शीशे को तोड़कर नदी में फेंक आएंगे ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन मम्मी ये सोचो कि हम इससे दूसरों की मदद कर कितना पैसा कमा सकते हैं। हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट से कमाए गए पैसे हमें विनाश की तरफ ले जाते हैं। मुरारी चाचा खिड़की से ये सारी बातें सुन रहे थे। आज रात मैं शीशे को चुरा लूंगा और महंगे दाम में बेच दूंगा। मुझे इससे बहुत पैसे मिलेंगे। मुरारी चाचा चुपके से रात में आकर उस शीशे को चोरी कर अपने घर ले जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास जादुई शीशा है। मैं किसी भी खराब चीज के सामने शीशे को रखूंगा और वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मुरारी चाचा अपने टूटे फूटे घर के सामने उस शीशे को रखकर बिल्कुल पहले की तरह चमचमाती नया बना देते हैं और खुद भी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। शीशे से रोशनी निकलती है और वह बिल्कुल जवान बन जाते हैं। अगले दिन जब राजू और छुटकी उस शीशे को अपने घर पर नहीं पाते तो घबरा जाते हैं। जादुई शीशा कहाँ गया? लगता है किसी ने उसे चुरा लिया। लेकिन उसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं था। तभी दोनों की नज़र मुरारी चाचा के घर पर जाती है। उनके चमचमाते घर को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि जरूर उस शीशे को मुरारी चाचा ने ही चुराया है। मुरारी चाचा अपने लालच में उस जादुई शीशे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। राजू और छुटकी मुरारी चाचा के घर जाते हैं तो देखते हैं मुरारी चाचा उस शीशे को गाड़ी में बेचने लेकर जा रहे हैं। हमें मुरारी चाचा को तुरंत रोकना होगा, वरना वो जादुई शीशे को विदेश में महंगे दामों में बेच देंगे। तभी राजू अपने जेब से गुलेल निकालता है और शीशे पर मारता है। पत्थर लगने की वजह से शीशा टूट जाता है और वापस मुरारी चाचा बूढ़े हो जाते हैं और उनका घर भी टूटा फूटा और पुराना जैसा हो जाता है। अरे ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम जादुई शीशे का फायदा उठाकर गलत काम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलना जरूरी था। हाय राम, मैं तो लुट गया। राजू और छुटकी वापस घर आ जाते हैं। जादुई शीशे के टूटने की वजह से उसका सारा जादू खत्म हो गया। मतलब ये कि हमारी मम्मी का हाथ भी वापस पहले की तरह हो जाएगा। तभी वहाँ ममता आ जाती है। उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। ये क्या, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। मुरारी चाचा को उनके लालच का फल मिला। तुम लोगों ने नेक दिल से उस जादुई शीशे का इस्तेमाल किया था, इसलिए शीशे का जादू वापस नहीं गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने लगे। कुकू टीवी। जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही
जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहाँ आ गई। वहाँ रखा सामान देख इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहां से करे ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, मैं उसे साड़ी कहां से ला कर दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहां एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया। नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। मैं वो महंगा कंगन कहां से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहां सोने के दो खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहां से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहां से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और
राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने चांदी हीरे जवाहरात मांग कर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहां उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक 9 लक्खा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहाँ एक चमचमाता 9 लक्खा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई। लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मन पसंद वस्तु मिली। जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा, उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।